एवरीवन, हम सीखने वाले हैं क्रिया और 60 सेकंड में हम इसको कैसे पहचानना सीखेंगे ये भी देखेंगे। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहा जाता है। और कर्म के आधार पर इसे दो भागों के अंदर बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में जो प्रभाव पड़ता है क्रिया का वो कर्म के ऊपर पड़ता है, जैसे वह पत्थर तोड़ता है तो तोड़ने का प्रभाव पत्थर पर पड़ रहा है। और अकर्मक क्रिया के अंदर क्रिया का प्रभाव जो होता है ये कर्ता पर पड़ता है, जैसे मैं सोता हूँ तो सोने का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है। इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मैं खेलता हूँ तो खेलने का प्रभाव मैं पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। वह पाठ पढ़ता है, पढ़ने का प्रभाव पाठ पे पड़ेगा तो सकर्मक क्रिया है। तुम पढ़ते हो, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है मतलब कर्ता पे पड़ रहा है, तो फिर से अकर्मक क्रिया है। वह खेलता है, इसमें भी कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो यहाँ पे भी अकर्मक क्रिया है। हम पार्क जाते हैं तो यहाँ पे पार्क पे प्रभाव पड़ रहा है तो सकर्मक क्रिया। इसी तरीके से नीचे भी एग्जाम्पल है।